नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ पूजा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम कर प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन मनाया गया। तो वहीं सीएम धामी के जन्मदिन के मौके पर नैनीताल जिले में बीजेपी के द्वारा जिले भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम धामी की दीर्घायु की कामना की गई। हल्द्वानी में भी जहां एक और मंदिरों में पूजा अर्चना और मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। डॉक्टर राहुल चंदुला, जो एक प्रसिद्ध सर्जन है, उन्होंने आज हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि वे सुशला तिवारी अस्पताल में OPD में अब महीने के 2 दिन परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर राहुल चंदोला कहते हैं कि मुझे सुशला तिवारी अस्पताल के साथ जुड़ने की एक अलग खुशी है। वो इसलिए क्योंकि स्थानीय लोगों की सेवा करने का एक अलग एहसास होता है और ऐसा करने से मुझे एक अलग खुशी मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि मेरा सुशला तिवारी अस्पताल के साथ जुड़ना क्षेत्र और राज्य के निवासियों को लाभान्वित होगा। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के दुग्ध और कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 3 पानी क्षेत्र में दुग्ध विभाग के निदेशालय का भूमि पूजन और सेंट्रल लैब का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य योजना के द्वारा 5 करोड़ से डेयरी निदेशालय भवन और राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड योजना में सेंट्रल लैब खोली जानी है, जिसका फायदा राज्य के दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को होगा। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SDM कार्यालय में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। पिछले दिनों सड़क में हुए गड्ढों की वजह से शिक्षक की मौत के लिए PWD सहित प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में बिजली पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाया कि ये सरकार सड़कों के गड्ढे भरने में नाकाम है, इसी वजह से मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। हर साल की तरह वैश्य महासभा हल्द्वानी मैं इस साल भी श्री गणेश महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से करने जा रही है। वैश्य महासभा के अध्यक्ष आलोक शारदा और महामंत्री भवानी शंकर नीरज ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 19 सितंबर मंगलवार को रामलीला ग्राउंड में गणेश जी की मूर्ति स्थापित से होगी। इसके बाद 19 सितंबर से 24 सितंबर तक शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा और 20 सितंबर से 25 सितंबर सुबह 8 बजे प्रतिदिन आरती की जाएगी। फिलहाल हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।